हुआ? तुम भाग्य भाग्य संख्या नहीं जानते? भाग्य भाग्य में तुमने सम विषम संख्या के बारे में बता रहे हो। सम संख्या की परिभाषा को तुम अभाज्य संख्या की परिभाषा में बता रहे होगी। अगला सवाल, दो भाज्य संख्या है कि अभाज्य है? हाँ, दो भाज्य है या अभाज्य है? भाज्य है, ठीक। अगला चीज ये है, सवाल ने जवाब दिया कि दो भाज्य संख्या है, बताओ कैसे भाज्य है दो? ये है हमारे गणित शिक्षक का काबिलियत। ये भाज्य अभाज्य नहीं जानता, ये नौ को कहता है कि अभाज्य है, ये दो को कहता है कि भाज्य है। प्रूफ करने के लिए बोलते हैं तो आता नहीं है। गणित के पाठ एक में क्या है इसको पता नहीं है, किस क्लास में बैठा है वो पता नहीं है इसको। क्या 500 पेन क्या रखे होगी, क्या शो कर रहे हो, पढ़े लिखे हो तुम? लाओ मेरे को वो दो चाक देना। देखो बच्चों, तीसरी पढ़ते हो ना तुम लोग? सॉरी बच्चों, ठीक है। असल में तुम लोगों को एक गाली बताता हूं मैं, ठीक है। और कौन कौन दिया जी फैमिली स्कूल? दो लोग। मैं गाली बता रहा हूँ, एक गाली है, ठीक है। हरामखोर गाली सुने हो? हरामखोर नहीं सुने हो ना? चलो मैं सिखा देता हूं। मां, हरामखोर का मतलब होता है जो आदमी बिना काम किए पैसा खाता है। समझ में आया? जो अपना काम नहीं करता है और उसको पैसा मिलता है और उस पैसा को खाता है, उसको क्या बोलते हैं? हाँ, हम साला किसी को ना फ्री का पैसा नहीं खाने देंगे, ठीक है।